अमेरिका में तकरार, अफगानिस्तान के बहाने चीन और अमेरिका में तकरार। चीन ने अमेरिका को सुरक्षा संकट के लिए बताया जिम्मेदार। अफगान के लोगों पर अमेरिका ने युद्ध थोपा। चीन जिम्मेदारियों से भागकर अमेरिका ने संकट बढ़ाया, यह चीन का कहना है। अफगान मुद्दे के लिए अमेरिका पूरी तरह जिम्मेदार है, चीन का कहना है। चीन ने अपनी जिम्मेदारी, अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बीच में छोड़कर चले गए। अब जो संकट की स्थिति बन रही है उसके लिए पूरे तौर पर अमेरिका जिम्मेदार है। और इससे पहले कि काटजू साहब के पास मैं जाऊं, एक जल्दी से इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। काटजू साहब, इसके फौरन बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका इशारा भी मैंने देखा और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कही हुई बातों पर आपसे जवाब भी लेता हूं। लेकिन अफगानिस्तान की पूरी कहानी जरा जल्दी से आंकड़ों की जुबानी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यहां क्या घटा है, एक क्विक रिकैप जैसा अगर आपको हम दे सकें। आप जानते हैं कि यहां पर एक के बाद एक तालिबान अपने कब्जे में जिलों को लेने का दावा कर रहा है। कुल 407 जिले, 1 मई तक 73 पर कब्जा होने का दावा किया जा रहा था तालिबान की तरफ से। हालांकि अब तो ये कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा हमने काबिज उस पर हो गए हैं, लेकिन हमारे संवाददाता ये बता रहे थे कि उनका ये दावा पूरे तौर पर सही नहीं है। अब देखिए जरा इसको, 1 मई तक की स्थिति मैंने दिखाई, जल्दी जल्दी इसको चेंज कीजिए प्लीज, मुझे काटजू साहब के पास जाना है। कुल जिले 407, 29 जून तक तालिबान का कब्जा 157, क्रमशः ये कब्जा बढ़ता गया और कई जगहों पर हमने ये देखा कि सीधे सीधे बगैर किसी रजिस्टेंस के वहां की जो फोर्सेस हैं वो सरेंडर कर रही हैं, अपने आर्मर्ड व्हीकल्स, अपनी बंदूक, अपने असलहे वो हवाले कर रही हैं। और 10 जुलाई तक तालिबान लड़ाकों की जंग 151 में चल रही है। अफगान सरकार काबिज 79 पर है। धीरे धीरे ये दिखाई दे रहा है। और जो कह रहे हैं अभी संजय कुलकर्णी साहब कि यहां से तो अफगानिस्तान इज ऑन द वे ऑफ गोइंग ऑन एंड तालिबान आने वाले दिनों में एक रियलिटी है, इसको देखते हुए हमको चीजें करना पड़ेगा। लेकिन 20 साल में 167 लाख करोड़ यहां पर डेमोक्रेसी की बहाली के नाम पर तालिबान से लड़ाई के खिलाफ लगाए गए। विदेशों से आपात युद्ध का बैठक सिर्फ 4.4 लाख करोड़ है, जबकि यहां का अमेरिका के संदर्भ में यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, दिव्यांग सैनिकों पर 22 लाख करोड़ रुपए अभी तक अमेरिका खर्च कर चुका है और लोन का ब्याज जो उसने लोन लिया था 40 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया, क्या खोया क्या पाया ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम। कुल मौतें ये करीब करीब 2.5 लाख हो चुकी हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौतें 6384 और अमेरिकी सैनिक अपाहिज हुए हैं करीब करीब 10 लाख। अन्य देशों के सैनिकों की मौत 1144, अफगान सैनिकों की मौत 78314 और अफगान नागरिकों की मौत 71344। न जाने कितनी जानों ने आहुतियां दी, लेकिन यहां जो चाहा जा रहा था शांति बहाली, डेमोक्रेटिक सेटअप और यहां पर पीस आए और दुनिया के लिए ये जगह चिंता का सबब ना रह जाए, क्या वो हुआ या वो सपना तो सपना ही रह गया। अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जो हकीकत है उसके साथ हम तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। काटजू साहब, देखिए अमेरिका की एक शिकस्त तो हुई है और उसका कारण भी साफ है। उस शिकस्त इसलिए हुई कि कभी की तालिबान की सेंचुरीज थी, उनके अड्डे थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान ने उसकी पूरी मदद करी और अमेरिका ने कभी भी ड्यूरेंट लाइन को क्रॉस करके जमीनी एक्शन पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ नहीं लिया। और दो जनरल साहब बैठे हैं, वो आपको मैं समझता हूं, वो मैं जो कह रहा हूं मैं उसकी पुष्टि करेंगे कि अगर ठिकाने मौजूद रहें, सेंचुरीज मौजूद रहें, तो कोई भी फौज, अमरीकी फौज ही क्यों ना हो जो दुनिया की सबसे प्रबल फौज है, वो भी उनका उनको खत्म नहीं कर सकते। 20 साल से ये अमरीकियों ने फैसला कर लिया, कई राष्ट्रपति आए गए, लेकिन हम पाकिस्तान में जाके तालिबान का सफाया नहीं करेंगे, तो आज जो खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है उन्होंने भुगता। दूसरी चीज, बाइडेन साहब कुछ भी कहें, लेकिन अमरीका ने अपने उद्देश्य बढ़ाए थे और चाहते थे कि राष्ट्र निर्माण करें अफगानिस्तान में, चाहे वो आज उसको का नकारें कि हम इस उद्देश्य से नहीं गए थे, उद्देश्य से गए नहीं हो, लेकिन वहां करने की कोशिश करी और उसमें भी उनको मार्क्स मिली, क्योंकि राष्ट्र निर्माण एक देश के लोग ही कर सकते हैं, बाहर से ये सब चीजें नहीं होती। राइट। अच्छा, अब जैसे हमने सबने कहा तालिबान एक हकीकत है और अगर अफगान राष्ट्रीय कैरेक्टर अगर आप देखें, उस अफगानों की एक असलियत है वो ये है कि वो बाहर का डिक्टेशन नहीं, मदद लेते हैं लेकिन डिक्टेशन नहीं। तो अगर पाकिस्तान ने पूरी मदद करी, एक जमाना था जब वो पूरा निर्भर थे पाकिस्तान पे, लेकिन अब जब वो काबुल में
अफगानिस्तान में उनके पैर मजबूत हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह हम 1990 में थे वो समीकरण, वो जमाना बदला है, लेकिन ये जरूर है कि दुनिया ने उनसे ये इशारा कर दिया, चाहे वो रूस चाहे चीन हो चाहे सब, सब ने ये कर दिया कि 1990 के दशक में जिस तरह आपने एक कट्टरपंथी व्यवस्था बनाई थी, अगर आपने फिर से उसकी कोशिश करी तो फिर बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा आखिरी चीज मैं कहूं, उसके अलावा मुझे ये दिख रहा है कि हमारी सरकार ये कह रही है, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन दुनिया एक होकर इस अफगानिस्तान के मसले को नहीं देखेगी, अपना हर देश अपना हित देखेगा और हमें इस समीकरण के बीच में अपना अपने हितों की सुरक्षा करनी है। सिद्धांतों के बारे में बात करना करना ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत को जो भी देश, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है सर, कि अगर लेजिटिमेट गवर्नमेंट भारत लेजिटिमेट गवर्नमेंट चाहता है तो ये अकेली बात नहीं होनी चाहिए जो वो कंसीडर करे, उसको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि वहाँ वहाँ की व्यवहारिकता क्या है और अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।